press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. श्री गंगानगर में करणपुर रोड पर एक साइकिल सवार को बचाते हुए तेज रफ्तार कार टेम्पो से टकरा गई। हादसे में टेम्पो सवार 6 लोगों की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दुर्घटना के बाद सड़क पर लाशें पड़ी नजर आई और हादसा दिल दहलाने वाला था। दुर्घटना में हुए घायलों को एम्बुलेंस 108 और पुलिस की जीप की मदद से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। सदर थाना पुलिस के अनुसार मृतक कालूराम मजाभी, जगसीर सिंह, ज्ञानीराम टालाराम और बलोर सिंह उस्मान खेड़ा पंजाब के रहने वाले थे। एक अन्य मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। घायलों के पर्चा बयान पर फरार हुए कार चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। कार की गति इतनी ज्यादा थी कि टक्कर के बाद टेम्पो के 3 टुकड़े हो गए और टेम्पो में सवार लोगों में से एक भी सुरक्षित नहीं बचा। इस दुर्घटना में कार टेम्पो को लगभग 50 फीट आगे तक घसीटते हुए ले गई। एक साइकिल सवार को बचाने के लिए कार चालक ने गलत दिशा में आकर टेम्पो को सामने से टक्कर मारी। कार चालक मौके पर कार छोड़कर फरार हो गया। जांच में सामने आया कि यह हादसा एक ऑर्थो डॉक्टर सुभाष राजोतिया की कार से हुआ था। हालांकि यह पता नहीं चल पाया कि कार कौन चला रहा था। मृतक और घायल सभी मजदूर वर्ग के हैं। वह किन्नू के बाग से फल तोड़ने का काम करते हैं। मजदूरी के बाद वे श्री गंगानगर की तरफ लौट रहे थे।